कतार, दुबई, कुवैत या नेपाल, इंडिया, कोई भी देश से आप लोग जापानीज भाषा सीखना चाहते हैं, आप लोग के पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं मलेशिया में हूँ, मैं कतार में हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं भाषा कैसे सीखूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा ऐसा ऐसा तरीका जो आप विदेश में रहकर भी जापानीज भाषा सीख सकते हैं, और जापान आने के लिए भाषा सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो जापानीज भाषा सीखने के लिए अगर मलेशिया, कतार, दुबई है तो सबसे बेस्ट उपाय है आपका क्या, ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास कैसे करूंगा, तो आप किसी भी कंसल्टेंसी जो ऑनलाइन क्लास कराता है उसे आप कॉन्टेक्ट कर आप उसे फोन कर और कितना बजे से कितना तक क्लास हो रहा है वो आप लोग बढ़िया से पूछ कर और उसके साथ आप कन्विंस कर कि मैं जापान स्टूडेंट वीजा में आना चाहता हूँ, वर्किंग वीजा में जाना चाहता हूँ, SSW वीजा में जाना चाहता हूँ, मुझे कितना भाषा पढ़ना है, क्या भाषा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उस कंसल्टेंसी से आप कंसल्ट कर ऑनलाइन क्लास आपके लिए बेस्ट होगा जो मलेशिया, कतार, दुबई में है उसके लिए। दूसरा उपाय, अगर आपके पास मतलब अगर नेपाल से या कोई भी ठाव से अगर आता है तो किताब आता है मीना निहोंगो का किताब आता है, उस किताब के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप विदेश में हैं तो किसी भी अपना देश के आदमी से वो किताब कहकर मंगवा सकते हैं। तो आप लोग मीना नो निहोंगो एक किताब आता है जापान का, वो अपना नेपाल से या कोई भी ठाव से मंगा कर आप उस किताब के साथ पढ़ सकते हैं। और आपको उसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, मीना निहोंगो में तो सिर्फ ग्रामर होता है तो आपको खांजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो खांजी के लिए क्या करना है, एक खांजी बुक भी आता है, वो खांजी बुक भी लेना पड़ेगा। और आपको लिसनिंग जो आपको जो बोलने के प्रैक्टिस करना है तो वो भी आपको चाहिए। तो वो क्या करना है, वो CD उसका होगा ना, उसमें CD होगा या पेन ड्राइव में उसका कॉपी करके आप CD में से कॉपी करवाकर पेन ड्राइव में रख के भी आप भाषा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट उपाय क्या है, यूट्यूब में आपका पूरा दुनिया का वीडियो मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर आप देखे होंगे एक लेसन से लेकर 50 लेसन तक आपको ग्रामर, खांजी या लिसनिंग A to Z आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बेस्ट उपाय है, अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप मीना निहोंगो किताब का एक लेसन से लेकर 50 लेसन तक, खांजी का 0 से लेकर शुरू तक, और जापानीज जो कखगा होता है, हम लोग कखगा कहते हैं ना, तो यहाँ होता है हिरागाना कताकाना से शुरू करके आप एकदम स्पष्ट रूप से यूट्यूब से पढ़ेगा तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूट्यूब से आप समझ ही पाएगा और यूट्यूब से एकदम बेस्ट बेस्ट तरीका से पढ़ाए होते हैं। और चौथा उपाय है आपका वेबसाइट, आप वेबसाइट से भी मतलब पढ़ाई होता है तो वेबसाइट पर भी जाकर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको और लगा कि मैं कैसे पढ़ूँ, तो आप एप्स भी आता है जापानीज एप्स, जो जापानीज लैंग्वेज का वो एप्स आता है, वो एप्स आप लोग वो एप्स यूज करके भी आप वहां से भी भाषा पढ़ सकते हैं। और उससे भी आपको नहीं आया तो गूगल, जो जो समझ में नहीं आएगा वो गूगल पर सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जापानीज भाषा A to Z पढ़ सकते हैं, शुरू से जो कख ग से लेकर आप जापानीज भाषा कब तक पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, पूरा A to Z तरीका है। तो आपको सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना अगर दिमाग में आ गया तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उपाय बहुत सारा है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, बहुत जितना भी एप्स है हर एप्स पर वीडियो आता है, जापानीज भाषा का हर एप्स पर वीडियो आता है, लगभग हर एप्स पर आता है, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, उतना ही नहीं आप ऑनलाइन क्लास हो गया, किताब लेके पढ़ सकते हैं, इतना सारा सुविधा है आप जापानीज भाषा पढ़ने के लिए। तो आप विदेश में भी रहकर मेरा से पढ़ लीजिए, जब आपका भाषा कंप्लीट हो जाएगा एकदम बेस्ट हो जाइएगा तो उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपका जब भाषा रहेगा अच्छा तो अप्लाई में इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से पास करते हैं और जापान आने के लिए आपका एकदम बेस्ट उपाय हो जाएगा।